हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम में आप सबका फिर से स्वागत है। आई एम श्योर आप लोग रामेश्वर को तो याद रखे होंगे, हमारा लीड कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, इस बार रामेश्वर के साथ क्या होता है, उसका वेट जो है काफी बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है और वो काफी परेशान रहता है। वो इसको उसको पूछते रहता है कि वजन कैसे घटाया जाए। उसी दौरान उसके शहर में बाबा रामदेव का योगा कैंप लगता है और उसे किसी ने बताया कि अगर तुम बाबा के कैंप में जाते हो, योगा सब सीखते हो तो तुम्हारा वजन घट जाए। सो ये बाबा रामदेव का योगा कैंप जाता है, अटेंड करता है एंड वहां पे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चक्रासन, वक्रासन, शीर्षासन, वहां पे जो भी आसन बताया जाता है वो काफी ध्यान से सुनता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब तो मैं योगा सीख गया हूँ और अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और इसको रोज देखूंगा और इसको मैं प्रयास करूंगा रोज करने का, तो उस तरीके से मेरा वजन भी घट जाएगा। सो वो बहुत खुश होता है, वो सबको बोलता फिरता है कि अब जो है मेरा वजन तो घटने ही वाला है, ठीक है। और अगला दिन से वो क्या करता है, सुबह सुबह एकदम उठ के एकदम मॉर्निंग में जो आस्था चैनल होता है उसके सामने बैठ जाता है। बाबा रामदेव का जो प्रोग्राम चलता है वो रेगुलर बेसिस पे देखता है एवरी डे, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम से देखता है। लेकिन एक महीना बीतने के बाद भी उसका वजन जो है घटता नहीं है और वो फिर परेशान हो जाता है। तो संभव उसको फिर पता चलता है कि बगल के शहर में रामदेव बाबा का कैंप चल रहा है। वो रामदेव बाबा के पास पहुंच जाता है और किसी तरीके से मैनेज करता है रामदेव बाबा से मिलने का, और रामदेव बाबा के पास एकदम मिलता है और उसको बताता है, बाबा मैंने आपका योगा कैंप अटेंड किया था जब आप हमारे शहर में आए थे और उसके बाद से पिछले 1 महीने से मैं रोज योगा कर रहा हूं लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो, तो ये बताया कि सुबह सुबह एकदम से उठ के तैयार हो जाते हैं और आस्था चैनल स्टार्ट करते हैं और एकदम टीवी के सामने बैठ जाते हैं और जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता है तब तक वहां से उठते भी नहीं। तो बाबा को समझ में आ जाता है कि समस्या क्या है। वो रामेश्वर को बुलाता है अपने पास और उसके कान में धीरे से बोलता है, बेटा सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यही खत्म होती है। इनफैक्ट इस स्टोरी से लेसन बहुत बड़ा हमें लेने की चीज है। तो हम भी लाइफ में कई बार ऐसी गलतियां कर लेते हैं, हमें करना क्या है ये तो पता होता है लेकिन हम उसको करते नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट डूइंग, नोइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग। अगर आपको कोई काम मालूम है कैसे करना है, सो इसका मतलब यह हुआ कि आपको उस काम का नॉलेज है, लेकिन उस काम में रिजल्ट तो तब मिलेगा जब उस काम को आप एग्जीक्यूट करेंगे। सो रामेश्वर को योगा कैसे करना है ये पता हो गया, लेकिन योगा करने का फायदा उसे तब होगा ना जब वो योगा करेगा। तो उसको कैसे अनुलोम विलोम करना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे चक्रासन करना है, ये चीज वो रेगुलर बेसिस पे देख के टीवी से सीख गया, उसको मालूम हो गया कि ऐसे करना, लेकिन वो खुद नहीं करता था तो उसको कहां से फायदा हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप अपने लाइफ में देखिए कि ऐसे कौन से चीजें हैं जहां पे आप रिजल्ट तो चाहते हैं और रिजल्ट कैसे पाना है ये भी आपको मालूम है लेकिन वो आप कर नहीं रहे। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज से ही जिस किसी भी लाइफ का आपका एरिया हो जहां पे आप रिजल्ट चाहते हैं उस एरिया पे एक्शन लेना चालू।
आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू।